नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस व्रत में मैं आपको सकट चौथ व्रत या तिल चौथ व्रत की पूजन सामग्री तथा पूजन विधि बताऊंगी। यह व्रत 5 जनवरी 2018 को मनाया जाएगा। इस व्रत को सभी माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए रखती हैं। यह निर्जला व्रत होता है। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप मेरे आगे के वीडियो देख सकें। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक चांदी की सुपारी चाहिए जो किसी भी ज्वेलरी शॉप पे आपको मिल जाएगी। अगर चांदी का नहीं है तो आप नॉर्मल सुपारी भी यूज़ कर सकते हैं। ये गौरी जी हैं, ये गोबर की गौरी जी बनाते हैं और ये चांदी का सिक्का है। और हर व्रत में हर साल इसी को हमको इसी से पूजा करनी है, इसी सुपारी से, इसी गौरी जी से। और उसके बाद हमें चाहिए तिल, 1.25 पाव तिल और गुड़ का मिक्सचर चाहिए। आप चाहें तो तिल का लड्डू भी बना सकते हैं। और 4 फल चाहिए और 4 फल को 4-4 क्वांटिटी में चढ़ाना है। और ये पेड़ा, आप कोई भी मीठी चीज़ बना सकते हैं। फूल माला, पान का पत्ता, धूप, रोरी, हल्दी, अक्षत, धूपबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, आरती के लिए घी चाहिए, देसी घी, अगरबत्ती। सबसे पहले कोई भी साफ चौकी लेंगे, लकड़ी की चौकी ले सकते हैं आप या लकड़ी का पीड़ा भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर हम गोबर से गोल आकृति बनाएंगे, चंद्रमा की आकृति बनाएंगे। अगर गोबर न हो तो गेरू भी चल सकता है या आप सिंदूर से भी बना सकते हैं। हमारी दीदी सिंदूर से बनाती हैं। ये इस तरह से गोल आकृति बनाएंगे और कहते हैं कि ये चंद्रमा की आकृति बनाते हैं हम। और फिर इसको हम सिंदूर से चारों तरफ से टीका करेंगे। ये इस तरह से आप गेरू भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चांदी का सिक्का रखेंगे, ये इसी गोल आकृति के अंदर रखना है। और उसके ऊपर हम सुपारी रखेंगे चांदी की। अगर आपके पास चांदी की ना हो तो आप नॉर्मल सुपारी भी यूज़ कर सकते हैं। ये गौरी जी रखेंगे। और जब आप पहली बार व्रत रहते हैं तो इन्हीं गौरी जी को गोबर से बनाते हैं। और इसी सुपारी को, इसी चांदी के सिक्के को और इन्हीं गौरी जी को हम हर साल पूजा करते हैं। उसके बाद हम गंगा जल से आचमनी करेंगे और फिर रोरी, हल्दी और अच्छत से पूजा करेंगे। गणेश जी को चढ़ाएंगे, गौरी जी को चढ़ाएंगे। और इस व्रत में गणेश जी और गौरी जी की साथ में पूजा होती है। यह व्रत स्पेशली बच्चों के लिए रखा जाता है। उसके बाद फूलमाला चढ़ाएंगे इस तरह से। वस्त्र चढ़ाएंगे, आप कोई भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से इसके बाद धूप चढ़ाएंगे। गणेश जी की पूजा में धूप जरूर यूज करते हैं। और उसके बाद पान का पत्ता चढ़ाएंगे, उसमें इलायची और लौंग रखेंगे। फिर आपने जो भी मीठी चीज बना के रखी उसे चढ़ाएंगे। पेड़ा, तिल का लड्डू बनाया है तो वो चढ़ाएंगे। और इस व्रत में काले तिल का ही यूज़ किया जाता है। और
जो भी आपके पास फल अवेलेबल है वो फल चढ़ाएंगे। चार फल चढ़ाना है और चार चार की क्वांटिटी में चढ़ाना है, मतलब कोई भी फल आपको चार चढ़ाना है, जैसे चार अमरूद, चार केला, चार शकरकंदी। शकरकंदी ज़रूर चढ़ाते हैं, इस मौसम में ज़रूर मिलती है, तो चार शकरकंदी चढ़ाएंगे, चार सेब चढ़ाएंगे, ये इस तरह से, और चौकी पे अच्छी तरह से इस तरह से चढ़ाएंगे। बाद गौरी जी को सिंदूर चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी चढ़ाएंगे। गौरी जी को सिंदूर चढ़ाते समय हम 7 बार सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम बोलते हैं सुहाग लेना। तो आप पूजा के बाद भी सुहाग ले सकते हैं या आप या अभी भी ले सकते हैं। तो बस याद रखना है कि जैसे 7 बार आपने सिंदूर चढ़ाया तो 7 बार सुहाग लेंगे, फिर 7 बार सिंदूर चढ़ाना है। या आपने 5 बार चढ़ाया तो 5 बार चढ़ाया, फिर 5 बार आपने सिंदूर लगाया, फिर 5 बार सुहाग चढ़ाना है। चाहें तो गौरी जी को सिंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम धूप आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, 4 अगरबत्ती जलानी है और जो हम दिया बनाएंगे उसमें भी हम 4 बाती रखेंगे क्योंकि चौथ का व्रत है और यह व्रत जो पूजा है इस तरह से 4 बाती हमें जलानी है और दिन भर निर्जला व्रत रखना रहता है, कुछ भी खाना और पीना नहीं रहता है और शाम को चंद्रमा देख के अर्घ दे के ही पूजा करके ही हमें पारण करना रहता है। और ये बत्ती जलाएंगे, घी का दीपक जलाने के बाद हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे। चंद्रमा निकलने से पहले ही शाम को अच्छी तरह से नहा के साफ कपड़े या हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद सारी तैयारी कर लेनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए, फिर चंद्रमा को अर्घ दे के ही पारण करना है। के बाद तिल और गुड़ को मिला के, उसमें घी मिला के, तिल गुड़ और घी मिलाकर उसका एक पहाड़ बनाना रहता है। तो आप चाहें तो तिल गुड़ मिला के रख सकते हैं या अलग भी रख सकते हैं क्योंकि रात भर रखना रहता है। और उसके बाद हमें तिल से हवन करना रहता है, तिल और गुड़ से। तो इस तरह से छोटा सा आप हवन बना सकते हैं जिसमें 1-2 लकड़ी लगा के, क्योंकि हमको 4 बार ही डालना रहता है। ये देखिए इस तरह से ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए 4 बार हम तिल और गुड़ का हवन करेंगे। कहते हैं कि तिल चिटचिटा जाए। ये इस तरह से और फिर हम उसको आशीर्वाद करेंगे चारों तरफ। और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, क्षमा याचना करेंगे और सच्चे मन से भगवान की पूजा करेंगे। तिल को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हमको व्रत में चढ़ाना है, तो इसे अच्छी तरह से धो के सुखा के ही हमें भोग लगाना है और इसे इस तरह से ढक के रख देंगे रात भर के लिए। बाद हम अर्घ की तैयारी करेंगे, चंद्रमा जी के दर्शन करके चंद्रमा जी को अर्घ देना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, फूल डालेंगे, रूड़ी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, आप चाहें तो इसमें सिक्का भी डाल सकते हैं और इस तरह से चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। तो जब भी आप ये पूजा छत पे कर सकते हैं या घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अर्घ देने के लिए हमें छत पे ही जाना पड़ेगा जहाँ से चंद्रमा जी दिखेंगे। सबसे पहले हम रोरी, हल्दी, अक्षत लगाएंगे और उसके बाद जो है हम चंद्रमा जी को अर्घ देंगे, तिल और गुड़ का भोग लगाएंगे और आरती करेंगे चंद्रमा जी की। और उसके बाद फिर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे बच्चों की रक्षा करें। सुबह उठकर जो हमने तिल और गुड़ का और घी का पहाड़ बनाया था, देसी घी का, उसे अपने बच्चों से ही कहते हैं पहाड़ काटना इस तरह से, और ये इस तरह से बच्चों से कराएंगे और फिर इसका प्रसाद हम बांट देंगे।
पारण करने से पहले सीधा जरूर निकालना चाहिए। ये थी सकट चौथ की व्रत पूजन विधि। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।